2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को टकात देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। मित्रों, मैं चुनाव घोषणा पत्र पर आने से पहले कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग ये 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है, 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29, 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, IIT, IIM, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट के अंदर जल विद्युत बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था, लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया है, लगभग 1000 मेगावाट पाकलदूल, इसके साथ शाहपुर कंडी बांध सिंचाई, रतले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, कीरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र यहां स्थापित किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को सरप्लस बजट देने वाला स्टेट बनाएंगे, ऐसा पूर्ण आयोजन
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कई सारे बिजली के वितरण के भी काम हुए हैं। इसके साथ हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी विषय बात रखना चाहता हूं। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी, ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्युनिसिपालिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहां लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन बनता था कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ है। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहां के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड टॉनपेल्टिंग 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी, 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, घाटी बंद हो जाती थी, 132 के बनाम एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब 0 है और जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस भी 0 है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहां के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को
ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए। और अभी अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हा या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा आज जम्मू कश्मीर उठाती है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है, इस प्रकार की 300 अलग अलग व्यक्तिगत लाभ की योजना है। 300 में से 259 में जम्मू कश्मीर देश में नंबर वन पर है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरा परकोलेशन और हम 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण।